भविष्य जी, आपको कुछ मालूम है कि दुश्मन की फौज की कमान किसके हाथ है? हाँ महाराज, जानता हूँ। आज इस फौज का सीधे सवार मेघनाथ है। बेशक रावण की फौज में वह एक गिनती का सिफिर सवार है। वह बड़ा चलाक और जमाने से आया है। रावण को उसकी बहादुरी पर पूरा नाज है। फौज की मोर्चा बंदी वह इस प्रकार से करता है। अगर दुश्मन के 1000 सिपाही मरते हैं तो उसका एक मरना है। आज मैं खुद फौज की कमान करूंगा और उसकी मोर्चा बंदी एकदम निर्माण करूंगा। भ्राता जी, आप अभी आराम कीजिए और मेघराज के मुकाबले पर मुझे जाने की इजाजत दीजिए। भाई, तू अभी अमूल है और आज जंग का पहला रोज है। आज की लड़ाई पर ही तो तरफा की बीतों का सरों उधार है। और लक्ष्मण, तू अभी मेघनाथ के मुकाबले को उसको नहीं जानता। जब लक्ष्मण जी खुद इसरार करते हैं तो आप क्यों इनकार करते हैं? इनके भी दो हाथ हैं और उनके भी दो हाथ हैं। अगर कोई खतरनाक सूरत हुई तो मैं भी तो इनके साथ हूं। बहुत अच्छा। अगर आप सबका यही ख्याल है तो मुझे कभी इनकार है। मगर हनुमान, तुम जरा होशियार रहना, क्योंकि मेघनाथ बहुत चलाक है। जब तक मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो भला मेघनाथ जैसे की मेरे सामने क्या फसाद है? जरा देखना मैं कैसे उसके छक्के उड़ाता हूँ और कितनी देर में मोर्चा खड़ी करता हूँ। प्यारे जी, जाओ अपने बेर की बहादुरी के जोर दिखलाओ। परमात्मा करे जल्दी फतेह के झंडे लहराते हुए वापस आओ। लक्ष्मण, जाओ जंग मैदान में इतना करना काम आगे ही करते रहे। लक्ष्मण दर्शन हाथ में था, नहीं पीछे हटना तू। लक्ष्मण सुन लो मेरी बात, मेघनाथ को मार कर आओ मेरे था। लड़ूंगा मेघनाथ से आज मन में लिए ठान, बीच जंग में करूंगा उखाड़ू उसके प्राण। सेना मेघनाथ की हूं मारकर एक बाण। हे भ्राता, मैं शर्म तुम्हारी दो मुझको वरदान।
लक्ष्मण जय
बोला यूं कौन करने दिया काका काका Thank you.
भाई राम की आज अच्छा